बायोब्लास्ट में आपका स्वागत है। कल के कंटिन्यूएशन में हम आज का लेक्चर शुरू करने वाले हैं। कल हमने पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स और जो पॉपुलेशन पिरामिड्स हैं इनके स्ट्रक्चर को और किस टाइप का पॉपुलेशन होगा कम्युनिटी में, स्पेशली हमने ह्यूमन की बात की थी कि पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग होगा, स्टेबल होगा, डिक्लाइनिंग होगा, और उसके साथ साथ हमने पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, कि किस ऑर्गेनिज्म के लिए क्या कंसीडर किया जा सकता है, बेस्ट सुटेबल पॉसिबल वे क्या होगा किस कंडीशन में, ठीक है, या डिफरेंट टाइप्स की जो स्पीसीज हैं नेचर में, तो हम कहीं पे नंबर के बेसिस पे उनकी डेंसिटी फाइंड करने की कोशिश करते हैं, नंबर के बेसिस पे डेंसिटी निकालते हैं, साइज निकालते हैं और यूज करते हैं, ठीक है। किसी किसी केस में हम एरिया कवर जो होता है उसके बेसिस में निकालते हैं। किसी किसी केस में क्या होता है, पर ट्रैप अगर हम कोई जैसे फिश, जैसे हमने यहाँ पे बनियान का लिया था एग्जांपल, ठीक है, वो ट्री कवर था, ट्री कवर नंबर के बेसिस पे हमने लिया था। बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, जैसे बर्ड्स भी हैं, ठीक है, काउंट हमने किया बर्ड्स के, नंबर को काउंट कर लिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे साइबेरियन क्रेन की बात किया था कि भरतपुर जो नेशनल पार्क है आपका राजस्थान में, ठीक है, वहाँ पे 10 से कम भी नंबर हो सकता है उनका, तो उसके बेसिस पे कि भाई डेंसिटी कम हुई है, ज़्यादा हुई है, क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पे हमने ट्री कवर या बायोमास की बात की थी, है मछली के लिए या फिश के लिए, अगर हम कहीं लेक में अगर या पॉन्ड में अगर हमने मछली पकड़ रहे हैं तो कितना नंबर है, कितनी डेंसिटी है, तो यहाँ पे पर ट्रैप मतलब पर जो हम एक बार में जाल फैलाने पे या कुछ भी अगर हम ऐसा मारने का काम कर रहे हैं उनको, मतलब फिशिंग कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के मेजर हैं किसके लिए, डेंसिटी के लिए, पॉपुलेशन की डेंसिटी के लिए। सबसे जो बहुत ही कॉमन और यूजुअल मेजर है वो नंबर होता है, ठीक है, जनरल केस में ये है ना, जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी इज टोटल नंबर, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है ऐसे, ये मत सोचिए कि यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे तो चलो हवा में है, नो, सारे मेजर्स हैं वो दे देगा, आउट ऑफ दीज मेजर्स व्हाट मेजर्स यूज्ड एज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर दी या ऑफ दी पॉपुलेशन डेंसिटी इन दी नेचर। तो आप नंबर की बात करेंगे, बाकी अदर भी हैं सब, लेकिन नॉर्मली हम नंबर की ही बात करते हैं जो सबसे कॉमनली यूज्ड मेजर होता है, ठीक है। बायोमास का पता ही है तो उसके बेसिस पर भी निकालते हैं। फिर डेंसिटी जो होती हैं एब्सोल्यूट भी होती हैं और रिलेटिव भी होती हैं, तो जो अभी हम नंबर और ये सब चीज़ निकाल रहे थे ऊपर, वो एब्सोल्यूट डेंसिटी की भी बात करता है, लेकिन नेचर में या इकोलॉजी में हम जरूरी नहीं है कि हमेशा एब्सोल्यूट डेंसिटी की ही बात करें। बहुत सारे केसेस में हम क्या करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी से भी काम चला लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब जैसे ए का जो भी डेंसिटी है, ठीक है, बी के कंपेरिजन में कितना है, ज़्यादा या कम, बस काम हो गया। इसके अलावा टाइगर का हमने बोला कि टाइगर्स का जो सेंसस या टाइगर का जो डेंसिटी या टाइगर का नंबर निकाला जाता है, डेंसिटी एक्चुअली वो दो तीन तरीके, आज के समय में भी दो तीन तरीका है, और पहले जब सबसे शुरुआत में था वो पग मार्क, उनके जो पैरों के निशान है ना उसको काउंट करके हम निकालते थे, क्योंकि ये उनके क्या है, फिंगरप्रिंट्स हैं। ऐसे उनका फीकल पिलेट जो उनकी पोटी होती है ना उसको हम एनालाइज करते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पर जो टाइगर है उसको काउंट करते हैं, क्यों, क्योंकि ये भी फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। आज के समय में सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्या है, कैमरा ट्रैप। कैमरा ट्रैप में हम क्या करते हैं, कैमरा ऑटोमेटिक कैमरा सेट रहता है, ठीक है, वो देखता है कितने टाइगर इधर से उधर गुजरे हैं, और उसमें फिर हम जो ऐसे पट्टियाँ होती हैं ना, देखेंगे टाइगर के ऊपर ऐसे पट्टियाँ रहती हैं, देखेंगे कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं, तो जो टाइगर के ऊपर पट्टियाँ होती हैं ना ऐसे ऐसे, तो इन पट्टियों के बेसिस पे, इन पट्टियों के बेसिस पे जो है हम पता करते हैं, ये जो स्ट्रिप्स हैं ये यूनिक स्ट्रिप्स होती हैं, मतलब ये सबकी अलग होती हैं, जैसे हमारा फिंगरप्रिंट है ना वैसे ही, तो ये भी फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे दो नाम दिए हैं, पग मार्क्स एंड फिकल पिलेट, किस पर्पज के लिए यूज होता है ध्यान रखिएगा, ठीक है, टाइगर के काउंटिंग के लिए, क्लियर है। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं, तो ये सारे हमने पैरामीटर्स अभी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग देखे थे, ठीक है, पिछले लेक्चर में,
तो ये इसी के कंटिन्यूएशन में अगला लेक्चर चल रहा है। अब आज हम बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ की, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ या कोई भी पॉपुलेशन अगर है नॉर्मली, तो वो स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक का मतलब समझ रहे हैं ना, कि मतलब वो फिक्स पैरामीटर ऐसा नहीं है कि मतलब 10 अगर सेट हो गया है तो ये हमेशा 10 रहेगा। नॉर्मली नॉर्मल कंडीशन में इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जो होते रहेंगे वो आते रहेंगे, ये प्लस माइनस एक्स होता रहेगा, चाहे पॉपुलेशन डिक्लाइन करे चाहे बढ़े। स्टेबल भी है तो उसमें टाइम लगता है, बहुत एकदम से स्टेबल मैनर में हर साल ईयर ऑन ईयर नहीं चलेगा। और ईयर ऑन ईयर स्टेबल है ना, तब भी बीच में मतलब अगर मान लीजिए कि अगर आपको लगता है नहीं ऐसा स्टेबल पॉपुलेशन फिर क्या होगा, स्टेबल में तो नंबर सेम रहता है। मान लीजिए आपके क्वेश्चन आ गया दिमाग में ये क्वेश्चन कि पॉपुलेशन स्टेबल भी तो होती है, अभी हमने ऊपर पढ़ा 3 टाइप से, एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग, 3 टाइप का पढ़ा ना। तो इसमें तो प्लस हो रहा है और इसमें माइनस हो रहा है, यहाँ पे क्या है, जीरो भी हो रहा है। तो जीरो होगा तो इसका मतलब ये स्टैटिक फील होगा कि भाई जो पहले था वही आज भी है। हाँ, लेकिन स्टैटिक फील होगा, लेकिन इसको हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए 2024 चल रहा है, यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन मान लीजिए 100 हम कंसिडर करते हैं, किसी टाइगर रिजर्व में है सपोज, ठीक है। और 2025 जब आया एग्जैक्टली, आज की डेट क्या है, 24 मई, ये आज वीडियो बन रही है, ठीक है। और 24 मई को 25 में सेम पॉपुलेशन टाइगर की अगर 100 रहती है तो इसको हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कहेंगे कि पॉपुलेशन चेंज नहीं हुई, ठीक है। जो यहाँ थी वही यहाँ थी, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बीच में ये पॉपुलेशन एग्जैक्टली यही रही होगी? नहीं भाई, कभी बढ़ गई होगी, कभी हो सकता है 105 हो गई और कभी हो सकता है 95 हो गई हो। और लेकिन फाइनल आते आते, ये इस दिन तक आते आते, हम बहुत ही प्रिसाइज डेट लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इस दिन तक आते आते लेकिन इसका नंबर जो है ये फिर से 100 बैलेंस हो गया। दिस इज हाउ इट हैपेंस इन नेचर, ओके। सो पॉपुलेशन जो है स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहा है, आपने अपनी ग्रोथ ले लीजिए, अपने तो चेंज ही हो रहा है ना कॉन्स्टेंटली। और ये चेंज जो है ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए किसी एरिया में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये लॉजिक लगाइए, अब यहाँ पे जो लिखा है वो तो अलग चीज़ है, लॉजिक लगाएंगे। अगर पॉपुलेशन इंक्रीजिंग है ना, तो इसका मतलब जो कंडीशन वहाँ पे आपके लिए चाहिए वो आपके लिए फेवरेबल है, मतलब सारी कंडीशंस आपके फेवर में है या उस पर्टिकुलर स्पीसीज एक्स के फेवर में है, इसलिए इसकी पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग है। मतलब फेवर का मतलब भाई रहने के लिए जगह है, खाने के लिए फूड है, मतलब स्पेस हो गया, फूड हो गया, ठीक है। कंपटीशन बहुत कम है या नहीं है, कंपटीशन जो है अब्सेंट है, समझ रहे हैं कि नहीं, कम से कंपटीशन अब्सेंट है। फूड की अवेलेबिलिटी जो है अनलिमिटेड है, कोई क्राइसिस नहीं है, समझ रहे ना, कोई क्राइसिस नहीं। तो जितने फैक्टर्स हैं ना, और वेदर कंडीशन बहुत ऑप्टिमम है, क्लाइमेट चेंज या अदर चीज़ों की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, वेदर कंडीशन ऑप्टिमम है, मतलब जितने भी फैक्टर्स चाहिए उसके ग्रोथ के लिए वो सारे उसके फेवर में है, मतलब पॉजिटिव है। लेकिन यही कंडीशन अगर मान लीजिए अनफेवरेबल हो गए, फिर हो सकता है ना भाई, कुछ भी अनफेवरेबल हो सकता है, मतलब स्पेस क्रंच हो गया, ये स्पेस अब क्या हो गया, क्रंच हो गया, डिक्लाइन हो गया, मतलब और स्पीसीज भी वहाँ के भर रही हैं, या हमने ही ह्यूमन ने क्या किया, इनक्रोच कर लिया, जंगल को काट दिया, तो भाई हमने नंबर क्या क्या स्पेस एरिया क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, एरिया रिड्यूस कर दिया, ठीक है। ऐसे ही फूड है भाई, कंपटीशन मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेंगी, खुद की भी इंटर नहीं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन अगर बढ़ गया, मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ गई तो भी फूड कम होगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत होगी, वेदर कंडीशन हो सकता है डिजीज आउटब्रेक कर दे तो भी नंबर क्या हो जाएगा, डिक्लाइन कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये निगेटिव हो गया, क्लियर है ना। तो जो कांस्टेंट चेंजिंग है, जो कांस्टेंट चेंज हो रहा है विद टाइम, टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है ना, यही है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव
पॉजिटिव भी हो सकता है। यहाँ पे ये मत सोचिए कि पॉपुलेशन हमेशा ग्रो कर रही है उसका मतलब हम इसकी बात करें, यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि मतलब ये अप भी जा सकता है और डाउन भी आ सकता है। दोनों के लिए जो वेरियस फैक्टर्स हैं उसके अगर फेवर में होगा पर्टिकुलर स्पीसीज के तो पॉपुलेशन अप होगी, और अगर फेवर में नहीं होगा तो डाउन होगी। क्लियर है इतनी चीजें? हाँ क्लियर है। ओके 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 ओके। अब चलिए सबसे बेसिक पैरामीटर है कि भाई जो भी फैक्टर्स हैं वो किस चीज़ को अफेक्ट करते हैं। नॉर्मली सबसे पहला फैक्टर है आपका नेटलिटी। इसका सिंपल सा मतलब आपको समझना है भाई, बहुत सिंपल सा, और यही याद रखना है, इससे ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। नेटलिटी, नेटलिटी का मतलब होता है बर्थ, ठीक है? नेटलिटी का मतलब बर्थ आपने सुना होगा, नेटल। ओके कहीं गड़बड़ हो जाता है, नेटल या नियो नेटल आपने सुना है ना? हाँ, तो एकदम से नया, ठीक है? तो नेटलिटी का मीनिंग ही बर्थ होता है, तो ये बर्थ है तो ऑब्वियस सी बात है ये प्लस होगा, ऐड होगा। मोर्टैलिटी, ठीक है? अरे मोर्टैलिटी कहते हैं ना कि हम इमोर्टल हैं, हैं हम ब्रह्मास्मि, नहीं भाई आप इमोर्टल नहीं है, ठीक है? आप इमोर्टल नहीं है, कोई भी इमोर्टल नहीं है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, बैक्टीरिया के लिए, प्रोटोजोआ के लिए हम बोलते हैं जो कि एसेक्सुअली डिवाइड करते रहते हैं, वो दे नेवर डाई एक्चुअली। सो उनके लिए हम कभी बोल देते हैं कि भैया दे आर अमर, ठीक है, अजर एन अमर है। सो मोर्टैलिटी के केस में क्या होगा, पॉपुलेशन का जो साइज है वो रिड्यूस होगा, डिक्लाइन होगा। किसी भी रीजन से अगर डेथ हो रही है किसी भी स्पीसीज की, ठीक है, और पूरे पॉपुलेशन में डेथ होने से उसका रेट डिक्लाइन कर रहा है, डेथ रेट बढ़ रहा है, मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी, ठीक है? तो ये भी अफेक्ट करेगा ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी को। इमिग्रेशन, ठीक है? इमिग्रेशन का मतलब क्या है कि एक हैबिटेट, मतलब ये है मान लीजिए ए, और अगर हम स्टडी कर रहे हैं बी हैबिटेट की, ठीक है, ये हैबिटेट ए मतलब दुनिया में कहीं पे भी, मतलब ये सब है बाहर, हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, इसकी कर रहे हैं बी की, यहाँ पे, ठीक है? अगर मान लीजिए कोई स्पीसीज यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर गई, एक्स है, और सेम स्पीसीज यहाँ से यहाँ भी माइग्रेट की, सेम स्पीसीज यहाँ से यहाँ भी आई, तो इसका मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे तीन स्पीसीज, मान लीजिए सिंगल सिंगल आई, तो तीन स्पीसीज का नंबर जो है बढ़ गया, दिस इज इमिग्रेशन, ठीक है? कहीं और क्या हैबिटेट से किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में स्पीसीज आ रही हैं, तो हम जिसकी बात कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम इसकी बात कर रहे हैं कि इमिग्रेशन है यहाँ पे। अदरवाइज जो दूसरे हैबिटेट्स हैं यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से स्पीसीज तो गई है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एमिग्रेशन। तो यहाँ पे अगर नंबर बढ़ेगा तो जहाँ से माइग्रेट करके आई हैं स्पीसीज यहाँ पे नंबर क्या होगा, डिक्लाइन होगा। तो डिक्लाइन यहाँ से हो रहा है मतलब जहाँ से माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, उसको हम एमिग्रेशन बोलते हैं, और जहाँ पे स्पीसीज आके टिक रही हैं मतलब इस रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो इसको इमिग्रेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब, इमिग्रेशन का मतलब पॉजिटिव हो गया, क्योंकि हम सबकी बात एक साथ नहीं करेंगे, हम किसी एक की ही हैबिटेट की बात कर रहे हैं, ठीक है? और एमिग्रेशन अगर हो रहा है तो यहाँ पे निगेटिव, मतलब अगर यहाँ से एमिग्रेशन होगा तो यहाँ से स्पीसीज जो होगी वो क्या होगी, आउट होगी, मतलब यहाँ से जा रही है बाहर। इसी को यहाँ पे डिनोट किया गया है सी, ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है, बीच में, जिसको हमने एन से रिप्रेजेंट किया है। आई एमिग्रेशन है प्लस, ठीक है, नेटलिटी मतलब बर्थ, तो यहाँ बर्थ हो गया, ठीक है, यहाँ पे इमिग्रेशन मतलब माइग्रेट करके स्पीसीज आ रही है, तो ये भी एड हो रहा है, एड हो रहा है, ठीक है, एडिशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए जा रही है, इधर से आ रही है, इधर जा रही है, तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब घट रही है पॉपुलेशन। मोर्टैलिटी में भी क्या हो रहा है, मर रहे हैं जो जो भी जानवर हैं, इंसान हैं, मर रहे हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्लाइन होगी। दीज आर द मेजर फैक्टर, और इन्हीं फैक्टर को अफेक्ट करते हैं, इसके पहले जो भी पैरामीटर हमने बताए हैं आपको, इन्हीं सब फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। क्लियर है कि नहीं? और इसको हम अगर डेंसिटी को अगर हम रिप्रेजेंट करें प्रॉपर फार्मूले में, हमने पहले बोला था एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन से रिप्रेजेंट कर किसको करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी पे। अब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, बेसिक सा क्वेश्चन है, मतलब किसी अगर हैबिटेट की,
किसी हैबिटेट की अगर एट टाइम टी अगर हम जीरो टाइम पे बात करते हैं, मान लीजिए एन जीरो मतलब आज की अगर हम बात करते हैं, एन जीरो ले रहे हैं, आज जीरो का मतलब आज जो है बेस हम कंसिडर कर रहे हैं, आज के समय में अगर किसी हैबिटेट में किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन 100 है, 100 है, ज़्यादा लेना है 1000 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। टी टाइम पे मतलब एन जीरो की बात कर रहे हैं ना नॉर्मली, या एन टी ले लीजिए भाई, जीरो टाइम कोई होता नहीं, अगर आपको लगता है कि भाई जीरो टाइम क्या होता है तो यहाँ एन टी ले लीजिए, ठीक है, इट विल बी बेटर, जीरो पे भी होगा, टेंशन ना, ठीक है, वो हमारे ऊपर है कि कैसे कंसिडर करते हैं, एन टी पे ये है। तो टी प्लस वन का मतलब टी में कुछ भी टाइम ऐड हुआ तो इस टाइम पे इसकी पॉपुलेशन क्या होगी, ठीक है। तो ये टी प्लस वन अभी जितने हमने पैरामीटर या फैक्टर पढ़े हैं ना यहीं पे होगा, ठीक है। तो टी टी प्लस वन इस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, इमिग्रेशन हो रहा है प्लस बर्थ हो रहा है, ये हो गया, माइनस डेथ हो रही है प्लस एमिग्रेशन हो रहा है, ये हो गया, यही है ऐड हो रहा है, यही तो ओवरऑल है। अगर ये नंबर इमिग्रेशन एंड बर्थ अगर कम हो गया तो पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग हो जाएगी, अगर ये नंबर इस वाले से ज़्यादा हो गया, और ऑब्वियस सी बात है ये नंबर मान लीजिए 10 है और ये नंबर अगर मान लीजिए 12 हो गया तो पॉपुलेशन -2 हो गई ना, डिक्लाइनिंग, लेकिन ये नंबर अगर 10 है और ये नंबर हमारा 8 है, ठीक है, तो इसका मतलब पॉपुलेशन क्या है, 2 से बढ़ रही है। लॉजिक सिंपल सा लॉजिक लगाना है, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। तो टी प्लस वन का मतलब क्या है कि टी वन टाइम पे कभी भी, मतलब हम आज की डेट में अगर कंसिडर कर रहे हैं 24th मई जी 2024 को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, आज के समय में जो भी पॉपुलेशन है मान लीजिए 100 हमने कंसिडर किया, तो अगले साल मतलब 24/05/25 को पॉपुलेशन अगर कितनी रहेगी, यही टी प्लस वन है। आज के समय में हमारी पॉपुलेशन क्या है, टी टाइम पे पॉपुलेशन 100 है, टी प्लस वन के टाइम, टी प्लस वन का मतलब एक साल के बाद क्या पॉपुलेशन होगी, तो मान लीजिए 120 हो गई, तो 20 की बढ़ोतरी हुई ना, तो ये जो 20 बढ़ रहा है किसकी वजह से बढ़ रहा है, इसका मतलब बी प्लस आई जो इमिग्रेशन प्लस आई है, ठीक है, ये 20 से बढ़ गया, इफेक्टिव इफेक्टिव इंक्रीज ये हुआ है, ठीक है। मतलब अगर ये सोच लीजिए कि बी प्लस आई अगर ओवरऑल कितना रहा हो, 40 रहा हो, ठीक है, बी प्लस आई अगर ओवरऑल 40 रहा हो, बी प्लस आई, तो इसमें निगेटिव कितना हुआ, डेथ और प्लस ई का, एमिग्रेशन और डेथ का निगेटिव कितना हुआ, 20 का, ठीक है, तो ये 20 हो गया, तो इफेक्टिव कितना आ गया, 20, तो इफेक्टिव इंक्रीज कितना हो गया, 20 का, इसीलिए हमने बोला 100 से 120 हो गया। तो इसको टोटल अगर इसको हम फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं तो एन टी प्लस वन पे क्या होगा, ये फार्मूला है डेंसिटी निकालने का, एन टी प्लस वन टाइम पे जो हमारा इनिशियल पॉपुलेशन होगा जिसको हम एन टी या एन जीरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद प्लस बी प्लस आई, ठीक है, माइनस डी प्लस ई, यही है, ये फार्मूला बहुत सिंपल सा है, याद रखिएगा भाई, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं। ओके, सो नॉर्मल कंडीशन में बर्थ एंड डेथ्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी, ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मल कंडीशन, जब कोई एक्सट्रीम सिचुएशन या और चीजें नहीं हो रही हैं तो। क्लियर है कि नहीं, एक सेकेंड, टाइम कितना हो गया, ओके, क्लियर है। ओके, अब आते हैं हम ग्रोथ मॉडल्स पे, ठीक है, 18 मिनट है, हो सकता है जल्दी पढ़ा दें, नहीं तो ग्रोथ मॉडल्स अलग से पढ़ाएंगे तो फिर से इसी में पढ़ा देना, छोटा है लेकिन ज़्यादा कैसे हो गया, चलिए ठीक है इसी में पढ़ाते हैं, नहीं तो फिर वो हो जाएगा अगला, केवल ग्रोथ मॉडल पे चला जाएगा, कोई बात नहीं। तो ग्रोथ मॉडल्स की बात करते हैं, तो नेचर में एक्चुअली में ना क्या है कि जो अभी हमने पढ़ा कि ग्रोथ कैसे हो रहा है, तो नेचर में दो तरीके की ग्रोथ होते हैं, ठीक है, उनको हम ग्रोथ मॉडल्स में पढ़ते हैं, ठीक है, एक बेसिक में बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मैं बताऊँगा, टेंशन ना को, ठीक है। तो ग्रोथ मॉडल्स का मतलब क्या है नेचर में, ठीक है, नेचर में
ग्रोथ कैसे हो रहा है, ठीक है, ग्रोथ कैसे हो रहा है, मतलब अगर हम नेचर में बात करते हैं, जैसे टाइम टी हो रहा है और ये हम डेंसिटी की बात करें, एन लिख दें, तो ग्रोथ ऐसे हो रही है, ग्रोथ ऐसे हो रही है, ग्रोथ ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो हम दिखा रहे हैं ना, किसी न किसी फॉर्म में ये लीनियर ग्रोथ है, मतलब लीनियर तरीके से ऐसे चीज़ें बढ़ रही हैं कि हम टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये भी थोड़ा तेज़ी से बढ़ा है लेकिन लीनियर ग्रोथ है, ये भी थोड़ा स्लो बढ़ा लेकिन लीनियर है। यहाँ पे टाइम टी के साथ तो ग्रोथ जो है कॉन्स्टेंट है, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है नॉर्मली, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं नॉर्मली, ठीक है, ये होगा, देखेंगे कब होता है, ठीक है। तो ऐसे ही ग्रोथ मॉडल जो होते हैं नेचर में, उनको जब हम स्टडी करते हैं तो हमको दो टाइप के ग्रोथ मॉडल जो होते हैं ना देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन नेचर में यूजुअली जो एग्जिस्ट करता है रियल में, वो एग्जिस्ट करता है लॉजिस्टिक मॉडल, लेकिन हम स्टडी करते हैं क्योंकि आर्टिफिशियल सिस्टम में भी हम पढ़ते हैं ना कि भाई ये भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, हालांकि वो नेचर में पॉसिबिलिटी वो होती नहीं है, ठीक है। ग्रोथ मॉडल की स्टडी करते क्यों है, करते क्यों पता है, टू प्रेडिक्ट दी प्रेडिक्ट दी पॉपुलेशन साइज आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आफ्टर सर्टेन, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम या सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टी, ठीक है। और इसकी स्टडी हम करने के लिए कैसे होगा, इसमें हम सारे फैक्टर्स जो भी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं किसी भी स्पीसीज के लिए, ग्रोथ फैक्टर्स को काउंट करते हैं, क्लियर है। तो ग्रोथ फैक्टर्स को काउंट कर लिए, ग्रोथ मॉडल्स को अप्लाई कर दिए, उसके बाद हम बताते हैं कि ग्रोथ कैसा हो रहा है। तो दो टाइप से ग्रोथ देखने को मिलता है, एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जो कंडीशंस होती है इसको ध्यान रखिएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जो होता है ना, जो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी होती है, जो भी नेचुरल रिसोर्स, ये जो फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस हैं जिनकी रिक्वायरमेंट जो है उस ऑर्गेनिज्म को होती है। तो यहाँ पर रिसोर्सेज जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड का मतलब देयर इज नो डर्थ ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, किसी भी चीज़ की, चाहे स्पेस हो, चाहे फूड हो, चाहे कंपटीशन हो, कुछ भी, या कोई वेदर कंडीशन है बिल्कुल फेवरेबल है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, स्पीसीज जो है ना कंटिन्यूअसली ग्रो करती जाएगी, अनलिमिटेड रिसोर्स है, तो ग्रोथ जो है ना ऐसे हो रहा है, ये पहला मॉडल जो है ऐसे देखिए, ऐसे चलता जा रहा है, मतलब यहाँ से ग्रो होना शुरू किया और ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं, ऐसे बढ़ता जाएगा एकदम ऐसे ही। दिस इज दी ग्रोथ मॉडल अंडर दी एक्सपोनेंशियल कंडीशन, अंडर दी अनलिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब यहाँ रिसोर्स की लिमिट नहीं है, व्हेन द रिसोर्स इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड। तो ये आपको ध्यान रखना है एक्सपोनेंशियल के लिए। ईच स्पीसीज हैज दी एबिलिटी टू रियलाइज फुल्ली इट्स इननेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर। इननेट पोटेंशियल का मतलब किसी भी स्पीसीज का जो फुल पोटेंशियल होता है, उसकी जो इनहेरेंट कैपेसिटी होती है टू ग्रो, कहने का मतलब जैसे कुछ स्पीसीज थोड़ी फास्ट तरीके से ग्रो करती हैं, कुछ थोड़ी स्लो करती हैं, तो जिनकी जो कैपेसिटी है वो उस कैपेसिटी से, उस अपने पोटेंशियल से ग्रो करेंगे। जैसे आपकी पढ़ने की अगर कैपेसिटी ज़्यादा है तो आपके पास टाइम मिल गया, सारे रिसोर्सेस मिल गए, तो आप तो सब एकदम खाक छान मारेंगे, पूरा पन्ना एकदम से इधर से उधर पलट डालेंगे। लेकिन किसी का पोटेंशियल कम है तो उसको सब कुछ भी दे देंगे ना, तब भी वो उतना नहीं पढ़ पाएंगी या पढ़ पाएगा या पढ़ पाएगी, ठीक है, मतलब सारा कुछ देने के बाद भी। अब कुछ लोगों को क्या होता है, थोड़ा कम भी मिले लेकिन अगर या तो उतना मिल जाए ना, तो वो उससे ऊपर चले जाते हैं। तो कहने का मतलब उनका इनिट पोटेंशियल ज़्यादा है, और इनिट पोटेंशियल जिसका कम रहेगा उसमें भी ग्रोथ होगा लेकिन थोड़ा कम होगा, लेकिन पैटर्न क्या रहेगा, यही रहेगा। तो ये वाला जो ग्रोथ पैटर्न है ना, इसको हम बोलते हैं जे शेप कर्व, मतलब ये अगर हम प्लॉट करते हैं इस वाले ग्रोथ पैटर्न को, जिसमें रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन नेचर में पॉसिबल नहीं है, हम ये सोच के चल रहे हैं कि ऐसा होगा तो ऐसे होगा, क्योंकि लैब की कंडीशन में हम ऐसा करते हैं तो देखने को हमको मिलता है। तो ये जे शेप कर्व बना रहा है, ठीक है। तो
तो ये ध्यान रखना है कि जब अनलिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं तो उसमें जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होता है, कैसा बनता है, जे शेप बनता है, ठीक है। और इसको डिनोट करने के लिए अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे बताएं, ये देखिए डेंसिटी का है ना, डेंसिटी नंबर बटा डी, मतलब जितना नंबर है टोटल डी टाइम पे कितना हो रहा है, तो यहाँ पे डी एन बाई डी टी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। डी एन बाई डी टी मतलब ये चेंज बता रहा है कि पॉपुलेशन किस रेट से चेंज होगा, ठीक है, ओवरऑल। तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो इंक्रीज साइज दिखा रहा है ना, डी एन बाई डी टी, वो क्या है, आर एन है। एक सेकेंड, सॉरी, आर एन, ठीक है, आर एन, ठीक है, आर एन नहीं, आर एन। एन क्या है, हमने पहले ही बताया है कि एन क्या है, ठीक है। एन देखिए, ये है ना, ये देखिए, ड्यूरिंग द यूनिट पीरियड ऑफ टाइम टी, तो एन हमने शुरू में पढ़ा था, क्या था, एन साइज था, साइज या डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, टोटल नंबर की बात करते हैं। आर क्या है, ये है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, याद रखना है। और ये है क्या, ये एक्चुअली में बर्थ माइनस डेथ है किसी भी स्पीसीज के लिए। तो कभी कभी होता है ना भाई, कोई स्पीसीज बहुत ज़्यादा नंबर में बर्थ मतलब बच्चा पैदा कर रही है, तो उतने ही ज़्यादा उसके बच्चे जो है मरते भी हैं। ये डिपेंड करता है कि इनकी वायबिलिटी कितनी है स्पीसीज की। जैसे आप देखेंगे जो गली के कुत्ते होते हैं, आप देखेंगे बहुत सारा बच्चा पैदा करते हैं, आठ आठ दस दस बच्चे होते हैं, लेकिन रिसोर्सेस ना मिलने की वजह से, उनको फूड शेल्टर और बाकी चीज़ें ना मिलने की वजह से, 10 बच्चों में से पता चला कि लास्ट में एक या दो बच्चे सर्वाइव किए, लेकिन 10, देख रहे हैं ना, तो बढ़ा कितना। अगर ऐसे बढ़ने लगे तो पूरा जो ऐसे भी भर जाता है मोहल्ला पूरा कुत्तों से, ठीक है, लेकिन इतना मरने के बाद ये हालत है। सोचिए अगर पूरे सर्वाइव कर जाए तब क्या हालत होगी, हैं, आपके लिए जगह ना मिलेगी बिल्कुल। यहाँ पे जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चल रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चल रहा है। इसी ग्रोथ को तो ये रिप्रेजेंट किसके फैशन में हमने किया है, नॉर्मल आपको दिखाया है कि अगर रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए, कोई कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है किसी भी चीज़ से, किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म से, एकदम फ्री खुला सांड जिसको कहते हैं उसकी तरह है, तो वो कैसा कर्व बनाएगा, जे शेप कर्व बनाएगा, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है, ठीक है, किस रेट से चेंज हो रहा है, तो डी एन बाई डी टी आर एन से चेंज हो रहा है, ठीक है। आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज है। एन क्या है, एन क्या है, एन जो है नंबर या साइज है, ओरिजिनल नंबर या साइज, ठीक है। इसको अगर हम लॉगरिदमिक स्केल पे अगर लिखते हैं, लॉगरिदमिक स्केल पे अगर हम लिखते हैं, तो एन टी एक्चुअली में क्या हो जाएगा, एन टी इज इक्वल टू एन जीरो ई पावर आर टी, ये फार्मूला याद रखना है। यहाँ पे देखिए एन टी टाइम पे पॉपुलेशन डेंसिटी, एन जीरो जो शुरू में मैं बोल रहा था, आपको नहीं समझ में आ रहा था शायद, तो एन जीरो क्या है, टाइम जीरो, मतलब अगर आज की हम बात करते हैं तो उसको हम टाइम जीरो कंसिडर कर रहे हैं आज से, तो उसकी बात करना है कि भाई एन जीरो, ठीक है, जीरो टाइम पे डेंसिटी क्या है। मान लीजिए टी टाइम पे हमको डेंसिटी फाइंड करनी है, तो एन जीरो पे कुछ तो रही होगी ना पॉपुलेशन, मान लीजिए 100 रही है, तो एन टी पे क्या होगा पॉपुलेशन, तो टाइम टी पे मतलब 1 साल बाद 2 साल बाद क्या होगा, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे, और 100 के बाद ई, ई पावर में नहीं है, नेचुरल इंटेंसिक रेट मान लीजिए कि इसका 2 है सपोज, और टी कितना है, टी भी हम 2 ले रहे हैं, तो 2 दुनी 4 हो गया, तो ओवरऑल 100 e पावर 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ई की वैल्यू क्या होगी, ये यहाँ पे दिया हुआ है 2.71828, इसी को बोल रहे हैं क्या, नेचुरल लॉगरिदम, नेचुरल लॉगरिदम्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये नंबर भी याद रखना है, क्लियर है कि नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, एन टी इज इक्वल टू, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट या एन जीरो ई टू द पावर आर टी, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्लियर, आर टी लिखा हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पे क्लियरली। तो ये क्या, कौन सा कर्व बनाता है, जे शेप कर्व बनाता है, ठीक है, जे शेप कर्व, ये आपका एक्सपोनेंशियल है, क्लियर है कि नहीं, ये एक्सपोनेंशियल है। इसमें दूसरे कर्व को हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, और इस वाले को भी रिवाइज करवा देंगे एक बार, ठीक है, तब तक आप ध्यान रखिए इतनी चीज़ों को,
और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। ऐसे अलग अलग सबका अलग अलग होता है, जितनी भी अलग स्पीसीज होती हैं सबके लिए जो आर है ना ये अलग होता है। किसी स्पीसीज में नंबर, जैसे हमारी स्पीसीज का आर देखेंगे भाई तो दो बच्चा या एक बच्चा पैदा हो रहा है तो इतने जल्दी नहीं मर जाता है। हम लोगों का जो डेथ रेट है अभी कम हो गया है। 1950 में आज़ादी के पहले, आज़ादी के टाइम पे ना, हमारा जो आदमियों का जो एवरेज एवरेज एज था, लाइफ स्पैन था, वो 30 ईयर था बस, 29 से 30 साल, पता है कि नहीं।